एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कार्बन फैमिली का वन शॉट वीडियो। खत्म करेंगे पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और हमेशा की तरह पूरा वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो लर्नो हब का वन शॉट वीडियो मिस नहीं करने का। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत तो हमने पिछले वीडियो में ही कर दी थी और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ग्रुप 13 एलिमेंट्स यानी कि बोरोन फैमिली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाके चेक दैट आउट। आप सर्च कर सकते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स या फिर बोरोन फैमिली लर्नो हब। ओके, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 14 यानी कि कौन सी फैमिली? कार्बन फैमिली। वेरी स्मार्ट। कार्बन चूंकि इसका टॉप एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, अब फर्स्ट पोजीशन पर है तो थोड़ी सी वैल्यू तो मिल ही जाती है, इसीलिए कार्बन के ऊपर नाम रख दिया गया है कार्बन फैमिली। हम सभी को ये बात पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पी ऑर्बिटल में, राइट? चलो तो फिर ये देखते हैं सबसे पहले तो कि भैया कार्बन फैमिली में कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर कार्बन की बात करें तो ये 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन की एक खास बात ये भी है कि ये एलिमेंट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कंबाइंड फॉर्म बोले तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, और एलिमेंटल फॉर्म बोले तो एकदम प्योर एलिमेंट के फॉर्म में, जैसे कि डायमंड। डायमंड क्या है? कार्बन का ही एलोट्रॉप है, डिस्कस करेंगे हम डिटेल में थोड़ी ही देर बाद। जैसे कि ग्रेफाइट, जो कि आपको पेंसिल के लीड्स में देखने को मिलता था, क्या है वो? कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है, राइट? इसके अलावा कार्बन की एक और खास बात ये है कि ये इतने कंपाउंड्स बनाता है कि हमने एक पूरी की पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच ही इसे डिनोट कर दी है। इतना ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर कार्बन इज अ वेरी 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 एसेंशियल पार्ट। कार्बन के अगर आइसोटोप्स की बात करें तो इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। फिर से वही घिसा पिटा सवाल कि हम इस फैमिली को पढ़ ही क्यों रहे हैं। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यार कार्बन तो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि सिलिकन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है, ये भी हमारे डे टू डे लाइफ में काफी यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एबंडेंस की बात करें तो सिलिकन इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो सोचो कितना ज्यादा एबंडेंस में पाया जाता है। किन किन चीजों में सिलिकन होता है? जैसे कि सेरामिक्स, जैसे कि ग्लास, इन चीजों में सिलिकन भारी मात्रा में पाया जाता है। जैसे जर्मेनियम है, ये ट्रेसेस में पाया जाता है, बहुत एबंडेंटली तो नहीं मिलता है, लेकिन सिलिकन और जर्मेनियम का जो है ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर्स, इन सेक्टर्स में काफी यूज होता है। नॉट जस्ट दैट, अगर हम बात करें लेड की तो लेड जो है वो पहले तो पेट्रोल में भी ऐड किया जाता था एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, हालांकि आजकल लेड फ्री पेट्रोल आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टीन की, टीन के तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपने अपने घर पर ही देखी होंगी, इजंट इट? तो इस तरह से बहुत सारे एलॉयज भी बनते हैं इनके। सो कुल मिला के इस फैमिली के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो हमें काफी काम आते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इनके बारे में अच्छे से पता हो। अब हमेशा की तरह मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आपको इस ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट्स के नाम सीक्वेंस से याद हो। क्यों? पता ही है आपको, क्योंकि यार प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वो हम ऐसे पढ़ते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप ऐसा हो जाता है, इसका बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए सीक्वेंस पता होना बहुत जरूरी है। और आप कैसे पता रखोगे? हमारे मेमोरी टिप से। तो इस ग्रुप के लिए यानी कि कार्बन फैमिली के लिए हमारा मेमोरी टिप होगा काशी गए संत पब्लिक फ्लॉक्ट। मतलब क्या हुआ? काशी सुना ही होगा आप लोगों ने, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है विच इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया, राइट? तो काशी गए संत यानी कि सेंट, और जो जनता है ना, जो पब्लिक है, उन्होंने बिल्कुल भीड़ लगा दी। ठीक है, अब तो याद रहेगा, काशी गए संत पब्लिक फ्लॉक्ट।
तो का बोले तो कार्बन, सी बोले तो सिलिकन, गए बोले तो जर्मेनियम, संत बोले तो SN, दैट इज टैंटेनम विच इज एक्चुअली टीन, पब्लिक बोले तो PB, दैट इज लेड, फ्लॉक्ट बोले तो FL, दैट इज फ्लेरोवियम। तो सबको यही याद रखना है कि काशी गए संत, पब्लिक फ्लॉक्ट। तो चलो बच्चा बाटी शुरू करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड के साथ। तो कार्बन फैमिली के फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वही हमारी शुरुआत कहां से होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि वही बाकी सारी चीजें डिसाइड भी करता है इन सम वे। हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, तो सारी चीजें कवर करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। लेट अस सपोज कार्बन की बात करते हैं, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय 2s2 2p2। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख ही सकते हो 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6, ठीक है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, ऐसे इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, नहीं तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत लंबा होता जाता है, राइट। तो उसी तरह अगर हम सिलिकन की बात करें तो ये हो जाएगा, सिलिकन से पहले जो भी इनर्ट गैस आता है विच इज नियॉन इन दिस केस, तो ये हो जाएगा नियॉन फॉलोड बाय 3s2 3p2। अगर बात करते हैं जर्मेनियम की तो हो जाएगा आर्गन फॉलोड बाय 3d10 4s2 4p2। बात करते हैं टिन यानी कि स्टैंटनम की तो ये हो जाएगा क्रिप्टन फॉलोड बाय 4d10 5s2 5p2। फाइनली अगर हम लेड की बात करते हैं दैट इज प्लम्बम, तो ये हो जाएगा ज़ेनॉन फॉलोड बाय 4f14 5d10 6s2 6p2, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको लिखते हैं। तो कुल मिला के हम क्या नोटिस करते हैं, इन सभी में अगर हम फोकस करें तो एक चीज कॉमन है और वो ये है कि सभी का आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है इस फॉर्मेट का है, 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2। सो बेसिकली हम कह सकते हैं इन जनरल कार्बन फैमिली में सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2 इस फॉर्मेट का होता है। अब अगर हमें बात करनी हो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की, जो कि हमें पता ही है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो दैट इज द जनरल ट्रेंड, राइट, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और ऐसा क्यों होता है ये भी बाय नाउ सभी को पता ही है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं हम क्या देखते हैं, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2 है ना, तो इसके जो है जो शेल्स हैं, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, यानी कि 2 शेल्स हैं। अगर हम सिलिकन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने शेल्स हैं, 1, 2 और 3। तो यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, चूंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। या इनफैक्ट यहाँ पर आप एग्जैक्ट वैल्यूज भी देख सकते हो। अगर बात करें डेंसिटी की, जो कि होता है मास बाय वॉल्यूम, हम ये देखते हैं इन जनरल हमारा क्या ट्रेंड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होता है, करेक्ट। क्यों होता है इंक्रीज, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो मास इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, बट जो मास का इंक्रीज है दैट इज मोर कंपेयर टू वॉल्यूम, तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारी ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और यहां पर कार्बन फैमिली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हाँ यार लगभग डेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है, सिवाय एक जगह के, और वो है कार्बन और सिलिकन। तो कार्बन से सिलिकन का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होना चाहिए था, बट व्हाट वी नोटिस इज कि सिलिकन की जो डेंसिटी है वो कार्बन से कम है, ऐसा क्यों। चलो तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कार्बन और सिलिकन की, क्यों, क्योंकि हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि डेंसिटी जो कि इंक्रीज होनी चाहिए थी वो कार्बन से सिलिकन जाते जाते डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए काम करते हैं, लेट अस कंपेयर डेंसिटी ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ सिलिकन, मतलब कार्बन के 1 एटम की डेंसिटी निकालेंगे, सिलिकन के 1 एटम की डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज हम बात करते हैं कार्बन की,
ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? अगर हम बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू देखें तो इट इज 12.011 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और कार्बन का एटॉमिक रेडियस कितना होता है? तो अगर रेडियस की बात करें तो ये होता है 67 पिकोमीटर्स, ठीक है। इसी तरह से सिलिकन की बात करते हैं तो सिलिकन का एटॉमिक मास होता है 28.085 एटॉमिक मास यूनिट। अब आप पूछोगे कि क्या मुझे ये वैल्यूज याद रखनी है? नॉट रियली, अगर आप कार्बन का 12 याद रखो, सिलिकन का 28 याद रखो, तब भी चल जाएगा, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस जस्ट टू लेट यू नो कि भाई ये जो डिविएशन है ये क्यों आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर सिलिकन का एटॉमिक रेडियस देखोगे तो इट इज 111 पिकोमीटर्स। अब हो ये रहा है कि मास में जितना इंक्रीज हो रहा है, इनफैक्ट जितना इंक्रीज रेडियस में हो रहा है उस हिसाब से मास में उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट इज द फैक्ट। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी होता है ये क्या होता है? ये होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ मास भी बढ़ रहा है, हमें दिख रहा है रेडियस भी बढ़ रहा है, बट चूंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी एक स्फीयर का, एक बॉल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³। तो मतलब R के अंदर जो भी इंक्रीज है उसका बेसिकली क्यूब होने वाला है वॉल्यूम पे, तो जो उसका इंक्रीज है वो काफी बढ़ जाएगा, राइट। तो यानी कि अगर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर लें तो कार्बन के लिए हम देखेंगे एक एटम का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4/3 πr³। R में हम 67 पिकोमीटर्स डाल देंगे तो कार्बन के केस में वॉल्यूम आ जाएगा 1.26 × 10⁶ πm³। उसी तरह सिलिकन के केस में जो वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 5.73 × 10⁶ πm³, ठीक है। अब कंपेयर करो, अब देखो कार्बन का जो रेडियस था, अब कार्बन का जो मास था वो क्या था? 12 लगभग, और सिलिकन का था 28। लेकिन कार्बन का जो वॉल्यूम है और सिलिकन का जो वॉल्यूम है इनमें कितना फर्क है? एक का 1.26 है × 10⁶, तो दूसरे का है 5.73 × 10⁶। तो हम देख रहे हैं कि देयर इज नो कंपेरेबल इंक्रीज इन मास कंपेयर टू द लार्ज चेंज इन रेडियस। मतलब एक तो रेडियस में चेंज हो रहा है, ऊपर से उसका क्यूब होके जब हम वॉल्यूम देख रहे हैं तो वो चेंज जो है वो काफी बढ़ जा रहा है। और हमें क्या पता है इसी से, अगर आप एग्जैक्ट डेंसिटी भी निकाल लो, लेट अस सपोज कि भाई मैंने एग्जैक्ट डेंसिटी भी निकाल लिया, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वन कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम, राइट, यानी कि 12.011 डिवाइडेड बाय 1.26 × 10⁶, तो ये क्या हो जाएगा? 9.53 × 10⁻⁶ एटॉमिक मास यूनिट पर पिकोमीटर क्यूब। यही मैंने यूनिट रखा है फिलहाल। उसी तरह अगर हम डेंसिटी निकाल लें एक सिलिकन एटम का तो ये निकल के आ जाएगा 4.90 × 10⁻⁶ यू पर पिकोमीटर क्यूब। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चल रहा है कि देखो कार्बन से जो सिलिकन की डेंसिटी है वो कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो जितना मास में इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, बल्कि वॉल्यूम में इंक्रीज काफी ज्यादा हो जा रहा है, इस वजह से डेंसिटी कम हो जा रही है। अब बारी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सबको पता है कि जनरल ट्रेंड क्या होता है। हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ रहा होता है, जब साइज बढ़ता है तो अंदर की जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो बढ़ रही होती है। ज़्यादा बॉन्ड लेंथ मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जब कम हो रही है तो उन्हें तोड़ना आसान है, उन्हें मेल्ट करना आसान है, उन्हें बॉयल करना आसान है, इसीलिए जो है उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ का ट्रेंड देखते हैं अपने कार्बन फैमिली का, तो देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखे तो हाँ भाई लगभग सब डिक्रीज ही हो रहा है डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखे तो ये भी डिक्रीज ही हो रहा है, सिवाय एक एक्सेप्शन के, राइट। एक्सेप्शन ना हर जगह आ ही जाता है पीछे पीछे, तो यहाँ का एक्सेप्शन कहाँ पर दिख रहा है हमें? ये हमें दिख रहा है टिन पे। टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये लेड से ज़्यादा होना चाहिए था, बट ये लेड से कम है। तो टिन का जो कम है बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एग्जैक्टली। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ये कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारा जिसे हम निकालना चाह रहे हैं वो हमारे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है,
राइट। तो जब वो दूर जा रहा है तो उसके ऊपर जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम है, तो इसलिए उसे निकालना आसान है, मतलब कम एनर्जी से ही हम इसे निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, और यहाँ पे कार्बन फैमिली में भी हम देख रहे हैं कि वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है। एग्जैक्टली, अमेजिंग। बट अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हायर ऑर्डर्स की बात करें, एज इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन, तो वहां पर हम नोटिस करते हैं कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, बट अब जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तीसरा निकालने जाएं तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहला निकाला, एक तो पहला सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट है, उसको निकाल दिया, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर भी है तो न्यूक्लियस ने निकालने दिया। जब उसका अगला वाला निकालने जाओगे तो अब आप न्यूक्लियस के थोड़ा और पास आ रहे हो, राइट? ऊपर से न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी और ज्यादा है, करेक्ट? तो अब न्यूक्लियस जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, तो अगर आपको इसे निकालना है आपको इसे और एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? तीसरे को निकालने जाओगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो इसीलिए जो हायर ऑर्डर आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं उनकी वैल्यूज ज्यादा होती रहती हैं। अब बारी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू पुल अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कोई भी एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है, यानी कि अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचूंगी, अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचोगे। ठीक है, सो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है? सो नॉर्मली हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप इन जनरल क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, राइट? जब वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि जो मेरा बीच वाला न्यूक्लियस है, लेट अस सपोज ये मेरा बीच वाला न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिव, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा बेसिकली। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो न्यूक्लियस है ये बेसिकली बाहर जिसे खींचना चाहता है उससे दूर होता जाएगा, तो इसीलिए इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए वो कम होता जाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? तो कार्बन फैमिली के अंदर अगर हम देखें तो भाई कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके बाद सिलिकन का उससे कम है, बट आइडियली होना क्या चाहिए था कि सिलिकन के बाद जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते रहना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। हम नोटिस कर रहे हैं कि सिलिकन के बाद जो है ये डिक्रीज ऑलमोस्ट बंद हो गया है, टिन लेड का जो है वैल्यू सेम है। इनफैक्ट जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं जैसे सिलिकन से लेकर के जो टिन है फिर टिन से जो लेड है सारी वैल्यू सेम है, ये डिक्रीज हो नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन इसे डिक्रीज होने नहीं दे रहा है? याद करो याद करो याद करो, हमने डिस्कस किया था राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, याद है शील्डिंग इफेक्ट? कि अगर मान लो यहाँ पर एक फैन है और इस फैन की हवा मुझे आ रही है, ठीक है, ये फैन बड़ी तेजी से चल रहा है, मुझे हवा आ रही है, लेकिन अगर हमारे बीच में एक पार्टीशन लगा दिया जाए, एक पतला सा पार्टीशन हो तो हवा थोड़ी कम आने लगेगी, अगर एक दीवार खड़ी कर दी जाए दीवार के उस तरफ फैन इस तरफ में तो मुझे हवा आएगी ही नहीं, राइट? ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि जो मेरा बीच में न्यूक्लियस है और जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा वो डिपेंड करते हैं कि बीच में दीवार कैसी है, बीच के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस के चार्ज को। ठीक है, तो हम नोटिस करते हैं यहाँ पर कार्बन फैमिली के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ही हम जर्मेनियम या फिर टिन या फिर लेड की बात करने लगते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम देखते हैं तो उसमें आ जाता है हमारे डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमें क्या पता है कि डी इलेक्ट्रॉन्स और एफ इलेक्ट्रॉन्स की जो स्क्रीनिंग एबिलिटी होती है, इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो काफ़ी पुअर होता है, ये जो है ना एक मजबूत दीवार की तरह काम नहीं कर पाते हैं, ये एक पतले पर्दे की तरह ही काम करते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट जो मेरा बीच का जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है, मतलब ये लोग इतना स्क्रीन तो कर नहीं पाते हैं डी वाले इलेक्ट्रॉन्स या एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरा न्यूक्लियस अभी भी जो है ना बाहर से खींचने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। सो दैट्स द रीज़न कि इवन दो हम लेट्स से सिलिकन से लेके जर्मेनियम में नीचे जा रहे हैं, जर्मेनियम से लेट्स से टिन में नीचे जा रहे हैं, बट हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और घट नहीं रहा है क्योंकि टू सम एक्सटेंट ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स और एफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जा रही है एंड एज अ रिजल्ट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लगभग बराबर रहे।
अब बारी है मेटालिक कैरेक्टर. सो मेटालिक कैरेक्टर का जो जनरल ट्रेंड रहा है वो यही है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. इनफैक्ट मैंने आपको ये टिप भी शेयर की थी कि कहीं पर भी अगर आपको मेटालॉइड्स दिखते हैं, जैसे कार्बन फैमिली के अंदर मेटालॉइड्स क्या क्या हैं, सिलिकन एंड जर्मेनियम, राइट. तो मेटालॉइड्स के ऊपर होंगे नॉन मेटल्स, यहाँ पर क्या है कार्बन, और मेटालॉइड्स के नीचे होंगे मेटल्स, जैसे कि यहाँ पर है टिन लेड. अब हम फाइंड आउट करेंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो चलो लिखें. जैसा कि बाय नाउ सभी को पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब अगर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं कार्बन सिलिकन जर्मेनियम वगैरह, ये किसी और के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, तो उस कंपाउंड को अगर हम इमेजिन करें कि वो टूट जाए तो इन एलिमेंट्स के ऊपर कितने चार्ज होंगे. तो बेसिकली किसी के भी साथ कंबाइन करने के लिए कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, राइट. अब हमें देखना ये है कि इस आउटर शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी और के साथ कंबाइन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा सकते हैं. तो चलो शुरू से देखते हैं. अगर बात करें कार्बन की, एक ऑप्शन हो सकता है कि कार्बन अपने आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका आउटर शेल क्या है n is equal to 2, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 + 2 = 4. तो एक ऑप्शन है कि ये सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे किसी के साथ कंबाइन करने के लिए, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4. एक ऑप्शन है कि ये बोले नहीं मैं सारे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 2p वाले 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2. ठीक है. ठीक उसी तरीके से सिलिकन के केस में अगर ये सारे दे देगा अपने आउटर शेल के तो हो जाएगा +4. अगर ये सिर्फ पी वाले देगा तो ये हो जाएगा +2. और सभी के केस में एक्चुअली +4 का एक पॉसिबिलिटी रहेगा और +2 का एक पॉसिबिलिटी रहेगा. तो अगर हम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कार्बन फैमिली के पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +4 और +2. ठीक है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी क्या होती है. तो जहां हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स ऊपर की तरफ है, फॉर एग्जांपल कार्बन है सिलिकन है, तो इनका जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर्ड टू +2. ठीक है, इसकी वजह से अगर आप देखोगे कि कार्बन है जैसे, इसका +4 काफी स्टेबल होता है. ठीक है, जिसके वजह से ये क्या करता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाता है. ठीक है, तो कार्बन का +4 जो है ये काफी स्टेबल होता है, और ये एक रीजन है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि ये जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये दूसरों के साथ इन चार इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है. ठीक, क्योंकि इसके लिए चार इलेक्ट्रॉन देना भी वही बात, चार इलेक्ट्रॉन लेना भी वही बात, तो ये सोचता है कि यार चलो शेयर ही कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन हम क्या नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, जो मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इट बिकम्स मोर स्टेबल. एज वी गो डाउन +2 इज मोर स्टेबल. अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर भी वही हमारा शील्डिंग इफेक्ट और इनर्ट पीयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है. हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में तो sp ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व थे, कार्बन में भी सिलिकन में भी, बट जैसे ही हम जर्मेनियम पे पहुंचे तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, d ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, उसके नीचे 4d आ गया, उसके नीचे 5d के साथ साथ 4f भी आ गया. ठीक है, और हमें क्या पता है कि ये जो d और f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इफेक्ट बड़ी खराब होती है. ठीक है, मतलब न्यूक्लियस, जैसे मान लो कि ये मेरा न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में ना ये बहुत अच्छी बाउंड्री नहीं बना पाता है. ठीक है, जो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ पकड़ के रखता है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसको जो है ना न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच के रखता है. यहाँ पर जो 5s वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको भी जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ खींच के रखता है, क्योंकि ये बीच के 4d वाले इलेक्ट्रॉन बहुत तगड़ा बाउंड्री बना ही नहीं पाते हैं, बहुत मजबूत वॉल बना ही नहीं पाते हैं इनके बीच में. उसी तरह यहाँ पर भी ये जो 6s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच के रखता है. तो इसीलिए बड़ी आसानी से जो है ना ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन या 5s वाले इलेक्ट्रॉन या 6s वाले इलेक्ट्रॉन बाहर जाके दूसरों के साथ कंबाइन नहीं हो पाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है,
तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ये जो 5s या 6s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दूसरों के साथ ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो यानी कि कौन से वाले जाके मिलते हैं, सिर्फ ये बाहर के 4p, 5p और 6p वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए इनके केस में जो है प्लस टू का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्लस टू का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये ज्यादा स्टेबल होता जाए। तो इसीलिए अगर मुझे ऑर्डर लिखना हो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी की, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है लेड में, उससे कम स्टेबल होता है टीन में, उससे कम स्टेबल होता है जर्मेनियम में, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये भी नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं ना, टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि जहां पे प्लस फोर ज्यादा स्टेबल है वहां कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, जहां पे प्लस टू ज्यादा स्टेबल है वहां पर आयोनिक कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो बेसिकली डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स इंक्रीजेस। बात करेंगे अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की। तो कार्बन फैमिली के अंदर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पर दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, प्लस टू एंड प्लस फोर। ठीक है, तो हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह भी काम कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं। तो बेसिकली लॉजिक ये है कि जब कभी भी कोई एलिमेंट लेट्स से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और वहीं अगर कोई एलिमेंट प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये लॉजिक हमने पढ़ लिया था रेडॉक्स रिएक्शन के वन शॉट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा फटाफट से देखो। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये जो रिड्यूसिंग पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट अस सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में अगर हम टीन के ऊपर फोकस करें SN, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, रिएक्टेंट साइड में ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है और प्रोडक्ट साइड में ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये तो सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो फटाफट से जाके मेरा रेडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट वीडियो देखो। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी कि जो मेरा टीन है दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि ये जो है किसकी तरह काम कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहां पर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या क्या है, वो है प्लस टू और प्लस फोर इस पूरे कार्बन फैमिली के लिए, राइट। तो जब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट से मेरा कोई भी एलिमेंट प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। चूंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो किसके जैसे काम करेगा, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन में है और रिएक्शन के बाद वो चला जा रहा है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये दूसरों के लिए क्या ऐसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ये लॉजिक सबको समझ आया। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लस टू से प्लस फोर में कौन सा एलिमेंट जाएगा, मतलब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट से, लेट अस सपोज मेरा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं प्लस फोर में तभी जाऊंगी जब आई एम मोर स्टेबल इन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत जाहिर सी बात है। अब लेट अस सपोज कि मैं अभी प्लस टू में हूं और मैं प्लस टू में ही स्टेबल हूं, तब तो मैं प्लस फोर में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगी, राइट। तो इसका मतलब है प्लस टू स्टेट से प्लस फोर स्टेट में वही जाएगा जिसका प्लस फोर ज्यादा स्टेबल हो। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, प्लस टू से प्लस फोर में कौन जाएगा, जिसका प्लस फोर ज्यादा स्टेबल हो। तो बेसिकली अगर मुझे कंपेयर करना हो कि भाई कौन से एलिमेंट्स ज्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो वो कौन से वाले एलिमेंट्स होंगे जिसका प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो, वो हमारे ज्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, मतलब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसका प्लस फोर स्टेट शुड बी मोर स्टेबल। तो यहां पर प्लस फोर स्टेट जो है ये किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है, कार्बन का,
क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, मेरा प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट बिकम्स लेस स्टेबल, और जो मेरा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट बिकम्स मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं प्लस फोर स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा कार्बन है, फिर सिलिकन है, फिर जर्मेनियम है, फिर टीन है, फिर लेड है, राइट। तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मेरा ऑर्डर कैसा होगा, सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकन, फिर जर्मेनियम, फिर टीन और फिर लेड। तो इसीलिए अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, अगर मैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कार्बन, फिर सिलिकन, फिर जर्मेनियम, फिर टीन और फिर लेड। तो देखो इसे रटने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप चीजों को सोच के और समझ के आंसर करोगे, करेक्ट, कि भाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जो कार्बन की एक बहुत ही खासम खास प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन। इनफैक्ट इसी प्रॉपर्टी ने पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जन्म दिया है। एग्जैक्टली तो कैटिनेशन होता क्या है, जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो बेसिकली इसकी एबिलिटी टू लिंक विथ अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे आपने देखा होगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो कितने ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 12 कार्बन जुड़ जाते हैं, 25 कार्बन जुड़ जाते हैं, राइट। मतलब बहुत सारे कार्बन्स ऐसे 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 एक के बाद एक वो जुड़ते चले जाते हैं एंड दे कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स। इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कार्बन अकेला ही ये शो करता है, इनफैक्ट कार्बन फैमिली में हम देखते हैं कि ये कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी जिसमें एटम टू एटम बॉन्ड करने की कैपेबिलिटी होती है, ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। हालांकि कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है, जो एक्सटेंट ऑफ कैटिनेशन है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसीलिए कार्बन में ये प्रॉपर्टी बिल्कुल मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होती है, ये प्रॉपर्टी वहीं पर होती है जहां पर एटम एटम का बॉन्ड जो है दैट इज वेरी स्ट्रांग। और कार्बन के केस में हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होती है ना दैट इज वेरी वेरी सुपर स्ट्रांग, ठीक है। इसीलिए वो ऐसे बनते चली जाती है बट स्टिल दैट मॉलिक्यूल रिमेन्स स्टेबल, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम देखेंगे कि जो कैटिनेशन का जो एबिलिटी है, जो एक्सटेंट है, वो कम होता जाता है, राइट। तो कार्बन का बहुत ज़्यादा है, उससे काफ़ी कम है सिलिकन का। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो कैटिनेशन की एबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो अब हमने डिस्कस कर लिया है सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी, और अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर वही हमारे रिएक्शंस आएंगे, बट रिएक्शन से अब हमें डर तो लगता नहीं है क्योंकि हमें चीज़ें समझ आती हैं। तो रिएक्शंस के अंदर हम मेजरली डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ एयर, यानी कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर एंड रिएक्शन विथ हैलोजन। तो सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विथ एयर। अब एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर हम देखते हैं ये जो कार्बन फैमिली है इसके अंदर दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं। एक तो बनते हैं मोनोऑक्साइड्स और दूसरे बनते हैं डाइऑक्साइड्स। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं मोनोऑक्साइड्स की। तो हम देखते हैं कि सिलिकन को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिलिकन मोनोऑक्साइड नहीं बनाता है, सिलिकन भी बनाता है बट ओनली एट हाई टेम्परेचर। मतलब सिलिकन का जो मोनोऑक्साइड होता है इट एग्जिस्ट्स ओनली एट हाई टेम्परेचर। इसके अलावा बाकी सबके मोनोऑक्साइड कैसे होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टीन मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं ये सारे। अब इनके नेचर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये न्यूट्रल नेचर का होता है, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक। हालांकि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इनफैक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं, अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो मेटल एक्सट्रैक्शन में बहुत यूज़ होता है। इनफैक्ट आयरन का जो ऑक्साइड होता है ना Fe2O3, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही रिड्यूस करते हैं और तभी हमें मिलता है आयरन। तो आयरन के ऑक्साइड से आयरन पाने के लिए उसे रिड्यूस करना पड़ता है और वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।
अब आगे देखते हैं बाकियों के नेचर की बात करते हैं। तो बाकियों का अगर हम नेचर देखें, चाहे जर्मेनियम ऑक्साइड, चाहे टीन ऑक्साइड, चाहे लेड मोनोऑक्साइड, ये बाकी सारे के सारे जो मोनोऑक्साइड्स हैं, स्पेशली टीन और लेड, ये जो दो हैं, ये किस नेचर के होते हैं? दे आर एम्फोटेरिक, यानी कि दे बिहेव बोथ लाइक एसिड एज वेल एज बेस। तो अब आ रही है बात करने की डाइऑक्साइड्स की, ठीक है? तो चलो देखते हैं डाइऑक्साइड्स। तो अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे डाइऑक्साइड्स की। तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का डाइऑक्साइड होता है CO2। बात करते हैं अगर सिलिकन की तो इसका होता है SiO2। अगर बात करें जर्मेनियम की तो GeO2, टीन की SnO2, लेड की PbO2। तो ये होते हैं इन सब के डाइऑक्साइड्स। और डाइऑक्साइड्स के अगर हम नेचर की बात करें तो हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकन डाइऑक्साइड, ये इनका नेचर होता है एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि कार्बन सिलिकन ये क्या है, ये मेटल्स नहीं है, राइट? और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। इनफैक्ट जर्मेनियम भी इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है, बट जर्मेनियम का जो डाइऑक्साइड है वो थोड़ा कम एसिडिक होता है, ठीक है? उसके बाद जब हम नीचे टिन और लेड के डाइऑक्साइड पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है? अब ऐसा मैंने बता तो दिया, बट इसका प्रूफ क्या है कि भाई ये जो है ये एम्फोटेरिक होते हैं, टीन और लेड वाले डाइऑक्साइड्स। इसका क्या प्रूफ है कि भाई कार्बन का जो डाइऑक्साइड है वो एसिड की तरह बिहेव करता है? चलो कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो लेट अस सपोज हम सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं, ठीक है? हम नोटिस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, लेट अस सपोज हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिलता है? Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 प्लस H2O। तो यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? NaOH क्या है? ये बेस है। CaOH2 क्या है? ये बेस है, राइट? तो यानी कि बेस के साथ मिलके ये क्या बना रहा है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अंडरगो कर रहा है। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है मेरा, ये किसके तरह बिहेव करता है? ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है? चलो अब बात करते हैं हम, लेट से SnO2, क्या ये एम्फोटेरिक सच में है? क्या ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है? चलो रिएक्शन देखते हैं। तो चलो यहाँ पर हम दो रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम SnO2 को रिएक्ट करवाते हैं लेट से एसिड से, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम देखते हैं कि ये बनाता है SnCl4 प्लस 2H2O, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये किसके तरह बिहेव कर रहा है? दिस इज बिहेविंग लाइक बेस, ठीक है? अब एक और रिएक्शन लेते हैं जहां पर हम SN2 को रिएक्ट करवाते हैं किसी बेस के साथ, जैसे कि NaOH। और यहां पर हम देखते हैं ये बनाता है Na2SnO3 प्लस H2O। तो यानी कि यहां पर ये बेस के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन अंडरगो कर रहा है, यानी कि यहां पर SN2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक एसिड। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि SnO2 या फिर PbO2, ये जो है एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं जब ये बेस के साथ मिलते हैं, ये बेस की तरह रिएक्ट करते हैं जब ये एसिड के साथ मिलते हैं। अब बात करेंगे हम रिएक्शन विद वाटर। तो हम नोटिस करते हैं कि कार्बन फैमिली के अंदर जो ऊपर के तीन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम, दे आर नॉट अफेक्टेड बाई वाटर, तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? अगर हम कार्बन की बात करें तो हम नोटिस करते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये काफ़ी स्ट्रांग है, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी हाई है, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी देनी है, ठीक है? दूसरी तरफ इसे रिएक्ट करना है वाटर के साथ, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये दोनों कभी भी साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों की ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है? थोड़ा और नीचे आए, अगर हम आते हैं टिन पर, तो हम देखते हैं कि टिन जो है ये रिएक्ट तो करता है, बट नॉट विथ कोल्ड वाटर, बट विथ स्टीम,
राइट, मतलब बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे जो वाटर है उस फॉर्म के साथ, स्टीम के साथ ये डिकम्पोज करता है और ये बनाता है टिन का डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उससे भी नीचे आते हैं, बात करते हैं लेड की। लेड जो है, हम कहते हैं कि लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर। क्यों? क्योंकि जब ये वाटर के साथ एक बार रिएक्ट करता है तो जो लेड ऑक्साइड बनता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह रह जाता है लेड के ऊपर, जिसकी वजह से ये इसे फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करने नहीं देता है। अब बात करेंगे रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब हैलोजेंस के साथ मिल करके दो तरह के हैलाइड्स बनते हैं, एक तो बनता है डाई हैलाइड्स और दूसरा बनता है टेट्रा हैलाइड्स। तो चलो देखें कौन क्या बनाता है। तो कार्बन के केस में हम देखते हैं कि ये सिर्फ टेट्रा हैलाइड बनाता है CX4 फॉर्मेट का, जहां पर X क्या है, हैलोजन। इट कुड बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सिलिकन की अगर बात करें तो ये डाई हैलाइड भी बनाता है, जैसे कि SiX2 फॉर्मेट में डाई हैलाइड बनाता है और SiX4 फॉर्मेट में टेट्रा हैलाइड बनाता है। इनफैक्ट बाकी सभी इसी फॉर्मेट में बनाते हैं, जैसे जर्मेनियम डाई हैलाइड भी बनाता है, जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड भी बनाता है। टीन की अगर बात करें तो डाई हैलाइड भी बनाता है और टेट्रा हैलाइड भी बनाता है। लेड की बात करें तो डाई हैलाइड भी बनाता है और टेट्रा हैलाइड भी बनाता है। ठीक है, तो ये सभी बनाते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि अगर हम टेट्रा हैलाइड्स की बात करें, ठीक है, मतलब इन सभी के लिए इन जनरल बात हो रही है अभी, तो अगर मैं किसी भी टेट्रा हैलाइड की बात करूं MX4, तो ये किस तरह का होते हैं नेचर में, सो दे आर कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, तो ये जनरली जो है कोवेलेंट नेचर के होते हैं, हालांकि इनके एक्सेप्शन हैं। इनके एक्सेप्शन कौन है, SnX4 एंड SnPbX4। बेसिकली सारे MX4 जो होते हैं ये जनरली कोवेलेंट होते हैं, बट इनका एक्सेप्शन लिख देते हैं। इनका एक्सेप्शन कौन होता है, SnF4 एंड PbF4। ये कैसे होते हैं, दे आर आयोनिक इन नेचर। अब आप पूछोगे क्यों, दैट इज बिकॉज जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो बहुत ज्यादा है, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये आयोनिक नेचर के होते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे टेट्रा हैलाइड्स की। अगर हम बात करें डाई हैलाइड्स की, जैसे कि SiX2, GeX2, SnX2, PbX2, तो इन डाई हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो हम क्या नोटिस करते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो डाई हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है इट इंक्रीजेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमारी हैलाइड्स के बारे में। अब बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोजेंस या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। हम नोटिस करते हैं कि एक्सेप्ट CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़ करके बाकी जितने भी टेट्राक्लोराइड्स हैं दे आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। वो आराम से हाइड्रोलिसिस अंडरगो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका सेंट्रल एटम होता है दे कैन एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कहने का मतलब यह है कि बाकी जितने भी हमारे टेट्रा हैलाइड्स हैं, चाहे वो SiCl4 हो, GeCl4 हो, SnCl4 हो, PbCl4 हो, उन सभी के अंदर जो है इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन का लोन पेयर को अपने में एक्सेप्ट कर ले, और इसी वजह से इनका जो है आराम से हाइड्रोलिसिस होता है। तो चलो सिलिकन टेट्रा क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो सिलिकन की का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसा होता है, नियॉन फॉलोड बाई 3s2 3p2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अब सवाल यही उठता है कि यार जब कार्बन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिलिकन एक्सेप्ट क्यों कर पाता है, इसके पास वो एक्स्ट्रा जगह कहाँ से आती है। तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा जगह यहाँ से आती है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो यहाँ पर जो n=3 वाला शेल है वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब चूंकि n=3 वाला शेल इन्वॉल्व हो गया है तो कहीं ना कहीं 3d ऑर्बिटल जो है इसके पास एम्प्टी है। जब हम कार्बन पे थे कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ n=1 और n=2 ये दो ही शेल इन्वॉल्व हुए थे और 1 और 2 में जो है डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बन के पास कोई भी खाली जगह नहीं थी जहां पर वो लोन पेयर को एकोमोडेट कर सके। बट सिलिकन के पास क्या है, चूंकि थर्ड शेल इन्वॉल्व है तो इसके पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जहां पर ये इस लोन पेयर को एडजस्ट करा सके या फिर एकोमोडेट करा सके। ठीक है, अब लोन पेयर आता कहाँ से है, वाटर से आता है। जब हम H2O का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन का आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2+4 6। ठीक है, जिसमें से
जिसमें से दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, बट उसके अलावा भी ये दो लोन पेयर है। तो अब ये सिलिकन करता क्या है, सिलिकन जो है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को जो है एक्सेप्ट कर लेता है और ये क्या बना देता है, SiCl4 की जगह ग्रेजुअली जो है ना एक एक क्लोरीन को जो है एक एक OH रिप्लेस करता चला जाता है और फाइनली हमें मिल जाता है SiOH4, जिसे हम कहते हैं सिलिसिक एसिड। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि CCl4 एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि कार्बन के पास जो है कोई वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है जहां पर वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करा सके। तो चलो बच्चों, अब हम आप फोकस लेके जाते हैं हीरो ऑफ द ग्रुप पे, यानी कि कार्बन पे। तो कार्बन की अगर बात करें तो इसके अंदर कुछ बड़े खास बातें हैं, जैसे पहला तो ये कि ये कैटिनेशन का प्रॉपर्टी शो करता है। अगर इसके अबंडेंस की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अगर हम इसके अबंडेंस की बात करें इन द अर्थ्स क्रस्ट तो इट इज़ द सेवेंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। अगर हम इसके बॉन्डिंग की बात करें तो हम देखते हैं जब कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम फोकस करते हैं तो हम देखते हैं 1s2 2s2 2p2, तो यानी कि इसमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो है ये सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट कर पाता है, क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल्स अलग से होता नहीं है जहां पर ये नो ये इलेक्ट्रॉन भेज सके। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दूसरों के साथ बॉन्ड करने वाला जो कैपेबिलिटी होती है दैट इज ओनली अप टू 4। अब बात करेंगे हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की। हम देखते हैं कि कार्बन के दो कैटेगरी के एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीन एलोट्रॉप्स और दूसरा होता है एमोरफॉस एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉपी के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा होगा अपने जूनियर क्लासेस में, हम क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में, राइट। तो एक एलिमेंट जो है ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स बोले तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे अगर आप चीनी के दानों को देखो तो वो एक एक दाना दिखता है, राइट। बट वही जब आप कोई पाउडर्ड फॉर्म की चीज को देखो, जैसे पाउडर को जब आप देखते हो तो उसमें आपको अलग अलग दाने नहीं दिखते हैं, सो दैट इज एमोरफस। तो क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स की बात करें तो इसके अंदर फॉल करता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरिन। तो अगर हम एमोरफस एलोट्रॉप की बात करें तो इसके अंदर फॉल करता है कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक वगैरह। तो फिलहाल हमारा फोकस रहेगा ऑन क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्यूलरिन। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है इसके अंदर होता है एक लेयर्ड स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से आप देख रहे हो, ये जो पर्पल वाले कलर के आपको लेयर्स दिख रहे हैं, इस तरह के मल्टीपल लेयर्स होते हैं और ये लेयर्स वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस से कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप देखो ये जो वाइट वाइट कलर के आपको डंडे दिख रहे हैं, दे बेसिकली रिप्रेजेंट वैंडरवाल्स फोर्स। तो इसी तरह के मल्टीपल लेयर्स होते हैं जो ऐसे ऐसे वैंडरवाल्स फोर्सेस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि एक एक लेयर में क्या होता है, तो चलो देखें। अगर हम सिर्फ एक लेयर पे फोकस करें तो चलो मैं इसे आपको ऐसे दिखाती हूँ। तो इसके अंदर होते हैं हेक्सागनल रिंग्स, हेक्सागन है ये, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स हैं इनमें, तो ये सारे हेक्सागनल रिंग्स ऑफ कार्बन है। तो इसीलिए ये जो ब्लैक आपको बॉल्स दिख रहे हैं दे रिप्रेजेंट कार्बन। ठीक है, तो सब में होता है हेक्सागनल रिंग्स। अब एक लेयर के अंदर अगर हम एक कार्बन एटम की बात करें, तो लेट अस सपोज हम इस कार्बन एटम की बात करें, इस बॉल की बात करें, तो ये कितने और कार्बन एटम से कनेक्टेड है, 1, 2, 3। तो ये 3 नेबरिंग कार्बन एटम से कनेक्टेड हैं बाय सिग्मा बॉन्ड्स, इसीलिए ये सिंगल बॉन्ड से ये 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, अमेजिंग। तो ये होता है हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब हम ये देखते हैं कि कैसे इस स्ट्रक्चर की वजह से ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती हैं। ठीक है, जैसे हम नोटिस करते हैं कि चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लेयर्स कनेक्टेड होते हैं ना, दे आर कनेक्टेड बाय वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस। तो ऐसे और भी लेयर्स होते हैं, सब वीक फोर्सेस से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इट इज़ वेरी ईजी टू क्लीव देम बिटवीन द लेयर्स। इन्हें हम आसानी से बिटवीन द लेयर्स तोड़ सकते हैं और इसी वजह से ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट एंड स्लीपरी होता है। इनफैक्ट बहुत सारे मशीन में तो ये एक ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, जहां पर हम ऑयल किसी और वजह से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें ग्रेफाइट में देखने को मिलती है वो है कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास मूव करने के लिए काफ़ी जगह है, मतलब इट इज़ नॉट लाइक अ
टाइटली क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर है, राइट, इसके पास काफी फ्री स्पेस है घूमने के लिए. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड एज अ रिजल्ट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर आप चाहो तो आप भी इसी तरह का एक जुगाड़ू ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर घर पे बना सकते हो और इसे फील कर सकते हो और समझ सकते हो. अब हम बात करने वाले हैं डायमंड की, ठीक है. तो डायमंड में होता है एक क्रिस्टल लैटिस. तो आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो, इस तरह का ये लैटिस बनाता है, ठीक है. अब हम डिटेल में बात करेंगे. तो जो ब्लैक बॉल्स आप देख रहे हो, दे रिप्रेजेंट कार्बन. तो अगर मैं किसी भी एक कार्बन एटम पे फोकस करूं तो ये चार और कार्बन एटम से कनेक्टेड है. यहां पर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है. लेट अस फोकस ऑन दिस कार्बन एटम. तो ये 1 2 3 4 चार और कार्बन एटम से कनेक्टेड है. अगर हम इस पर फोकस करें तो ये 1 2 3 4 ये भी चार कार्बन एटम से कनेक्टेड है. तो कोई भी डायमंड के कार्बन के एटम को आप लोगे तो वो चार और कार्बन एटम से कनेक्टेड मिलेगा, ठीक है. अगर इसके हम शेप की बात करें तो हम देखते हैं कि डायमंड का जो शेप होता है ना, इट इज इन अ टेट्राहेड्रल फैशन, ठीक है. देखो कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर. अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक टेट्राहेड्रन है, राइट. उसी तरह ये एक टेट्राहेड्रन है, ये एक टेट्राहेड्रन है, और ये सारे टेट्राहेड्रन्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि ओवरऑल हमें एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर मिल रहा है. इनफैक्ट अगर आप चाहो तो इसे आप खुद घर में बनाने की कोशिश कर सकते हो. अगर आपके पास थर्मोकॉल के बॉल्स हो और कुछ भी पतली सी मे बी टूथपिक या फिर मैच स्टिक से आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है. तो डायमंड के स्ट्रक्चर की खास बात ये होती है कि इनकी जो ये बॉन्डिंग होती है ना कार्बन कार्बन के बीच में, दे आर लाइक वेरी स्ट्रांग bonds and they are very very difficult to break. और उसी कारण से diamond is the hardest substance known on earth. Diamond के uses की बात करें तो भाई jewelry तो है ही, diamond की jewelry तो बड़ी famous होती है, right? इसके अलावा diamond जो है bulb के अंदर जो tungsten filament होता है उसके manufacture में भी काम आती है. In fact, ग्रेफाइट को हम डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, इट इज पॉसिबल. हालांकि दोनों बिल्कुल अलग ही दिखते हैं तो वो फील नहीं आता है कि वो कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा. बट अगर हम ग्रेफाइट को अल्ट्रा हाई टेम्परेचर और अल्ट्रा हाई प्रेशर में सब्जेक्ट करें तो वो जो है डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है. बात करेंगे अब हम तीसरे एलोट्रोप के बारे में जो कि है फ्यूलरन. तो फ्यूलरन जो है ये मोस्ट न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रोप है. डिस्कवर हुआ था इन 1985, तो मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है. तो फ्यूलरन की खास बात ये है कि इट इज़ द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इन द सेंस कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना काफ़ी स्मूथ होता है. यहाँ पर ना इधर उधर से डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते हैं, जैसे अभी हमने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा था, राइट, इधर से बॉन्ड उधर से बॉन्ड हर तरफ से बॉन्ड है. बट यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चर काफ़ी स्मूथ होता है, इसीलिए इसे हम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन की तरह कंसिडर करते हैं. इनफैक्ट अगर एग्जाम्पल लेना हो तो C60 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लाइक अ बॉल. जैसे कि आप ये वाली बॉल दिख रहे हो जिसके अंदर क्या है, आपको ऐसे 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 पेंटागॉन्स दिख रहे हैं जिनको मिला के ऐसा एक बॉल बन गया है. तो इसी तरह बॉल के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है C60 मॉलिक्यूल का, जिसे हम कहते हैं बकमिंस्टर फ्यूलरन. तो चलो इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. तो चलो देखते हैं बकमिंस्टर फ्यूलरन की कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ा और डिटेल में. जैसा कि मैंने बताया ये यू बॉल शेप का दिखता है और इसके अंदर 26 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं. तो देखो 6 मेंबर्ड रिंग्स कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6. तो ये जो रिंग है ये मेरा 6 मेंबर्ड रिंग है और इस तरह के रिंग्स होते हैं 20. और क्या होते हैं 12 फाइव मेंबर्ड रिंग्स. यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग्स कहाँ पे है, 1 2 3 4 5. तो ये जो रिंग दिख रहा है ये क्या है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इस तरह के रिंग होते हैं 12, ठीक है. चलो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई. नेक्स्ट, ऑल द कार्बन एटम्स आर इक्वल एंड दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सारे कार्बन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स विथ अदर 3 कार्बन्स. मतलब किसी भी कार्बन को उठा लो, लेट अस सपोज हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो ये 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है और किस तरह के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से, यानी कि सिंगल बॉन्ड से. एक कार्बन जो है वो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है. लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर होते हैं टोटल 60 वर्टिसेस और हर एक वर्टिक्स में बैठा हुआ होता है एक कार्बन एटम, ठीक है.
अब देखो यहां पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इट कंटेन्स बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स विथ कार्बन कार्बन डिस्टेंसेस ऑफ 143.5 पिकोमीटर्स एंड 138.3 पिकोमीटर्स। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि हर एक कार्बन तीन और कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से, फिर यहां पर सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों कहां से आ गया। अब देखो एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये यहां पर जो हमें हेक्सागन्स दिख रहे हैं, दो हेक्सागन्स के बीच में भी तो बॉन्ड है। तो जब हम बॉन्ड लेंथ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो हेक्सागन के बीच का जो बॉन्ड है वो उसका जो लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, तो इसीलिए उसे हम डबल बॉन्ड की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो जहां पर हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सो दे आर बॉन्ड्स बिटवीन टू हेक्सागन्स, सो हेक्सागन हेक्सागन के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज कंसिडर्ड टू बी डबल बॉन्ड, और उसका जो लेंथ है दैट इज अराउंड 138.3 या फिर 140 पिकोमीटर, राउंड ऑफ करके बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको इसे हम डबल बॉन्ड इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वेन कंपेयर टू हेक्सागन और पेंटागन, इनके बीच का जो बॉन्ड है उससे ये थोड़ा सा छोटा है। तो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है ना इतना सिंपल नहीं है एक बॉल के जैसा, इसके अंदर इतने सारे हेक्सागन्स इतने सारे पेंटागन्स हैं और उनके बीच के बॉन्ड से ही ये पूरा का पूरा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं बकमिंस्टर फ्यूलर। तो बच्चा पार्टी यहीं पर खत्म होता है हमारी कार्बन फैमिली का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज सारी चीजें डिस्कस की, कार्बन के एलोट्रॉप्स को भी डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कार्बन फैमिली के बारे में आपकी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट्स में जरूर लिखो कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर एंड मोर कॉन्टेंट। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ जो कि एक धमाकेदार वीडियो होने वाला है ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर, बाय बाय।